जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय हनुमान। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एन अक्षर से नाम शुरू होने वाले जातकों का। अप्रैल 2022 का समय कैसा रहने वाला है? हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस समय ग्रह गोचर की क्या स्थिति है। सूर्य मकर राशि से बाहर निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल धनु राशि में रहेंगे। बुध पहले धनु में थे लेकिन बाद में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु यानी कि बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे। शनिदेव मकर राशि में रहेंगे, राहु वृष में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मेरे प्रिय दर्शक, यह था ग्रह गोचर का कुछ स्थिति। अब आइए हम ग्रह गोचर का मूल्यांकन करते हुए बात कर लेते हैं आपका भविष्य क्या कह रहा है। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है और अभी आपको इसी से सीखना है। भूतकाल से ली हुई सीख की उपेक्षा ना करें ताकि भविष्य की परेशानियों से बच सके। ज़रूरतमंदों चाहे बच्चे हो या बूढ़े, उनकी मदद करें। ऐसे करने से ही आप सही रास्ते पर चल पाएंगे, चाहे आपको अभी इस पर चलने में कोई भी परेशानी आ रही हो। जो लोग आपको अपना करीबी समझते हैं, आप उनके लिए प्यार और सहायता का स्रोत बनना चाहते हैं, लेकिन आपकी देखभाल के साथ साथ अपनी सेहत को भी नज़रअंदाज ना करें। किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए घर का खबना खाना खाए, यहाँ तक कि पानी भी घर से ही ले जा सकते हैं तो लेकर जाए। अपने समय का सीमांकन करें कि आप खुद के लिए और दूसरों के लिए कितना समय रखना चाहते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं आपकी परेशानी का कारण बन सकती है जिन्हें टालना मुमकिन ना हो, लेकिन आप खुद को शांत बनाए रखें और हालत से निपटने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया ना करें। जीवन के बुरे दौर में पैसा आपके काम आएगा, इसलिए अभी से ही अपने पैसों की बचत करने के बारे में विचार करें, नहीं तो आपको दिक्कतों हो सकती है। बच्चे को अपने उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करें, हालांकि किसी चमत्कार की उम्मीद ना करें। आपका प्रोत्साहन निश्चित तौर पर बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाएगा। रोमांस के लिहाज से बहुत अच्छा महीना नहीं है, लेकिन आप सच्चा प्यार ढूंढने में विफल हो सकते हैं। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुँचा सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन आपके परिवार के चलते नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, लेकिन आप दोनों होशियारी से चीज़ें संभाल सकते हैं घर पर। शादी की बात चल सकती है, लेकिन आपको यह बात पसंद नहीं आएगी। अब हम अपने वीडियो में विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी उत्साह प्रदान करता है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। एक तर्क में जीना एक दिल के जीतने से बहुत अलग है। आप अपनी बात को साबित कर सकते हैं, परंतु फिलहाल इस तरीके से आपका साथी आपसे दूर हो सकता है या आपका बहिष्कार कर सकता है। अपने प्यार अपने साथी को तर्क वितर्क में जीतने का मौका दें। अपने साथी को आपके बिना बोले अपना मन मस्तिष्क पढ़ने दें। कुछ कदम आगे जाकर अपने प्यार अपने साथी की मदद से आप कुछ अच्छा करें, इस तरह से आपका साथी आपके सूक्ष्म कदमों की सराहना करेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि होगी, आपका करियर कैसा रहेगा। अवलोकन और विश्लेषण की आपकी शक्ति अपने चरम पर होगी।
अतः अगर आप किसी भी नौकरी में हैं और अगर इस कौशल की आवश्यकता है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। वैज्ञानिकों, जांचकर्ताओं और शोधकर्ताओं के लिए आज एक उपयोगी दिन होगा। आप रचनात्मक और निष्पक्ष तरीके से अपने कार्यस्थल पर समस्याओं का हल खोजेंगे, जो कि आपके कार्यालय में सहायक जाएगा। यह समय महान प्रभाव के लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए अति उत्तम है। आप इन लोगों से जितना संवाद बढ़ा पाए बढ़ाए, क्योंकि एक बेहतर जगह तक पहुंचने के लिए या आपके वर्तमान स्थिति का उत्तयन करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। आप अभी काफ़ी दुविधा में हैं कि यह अवसर आपके धन वृद्धि कर सकते हैं कि नहीं, या आप इन्हें पकड़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन आप उम्मीद का दामन ना छोड़े और अपने मकसद के लिए प्रयास करना जारी रखें। मेरे प्रिय दर्शक, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका यह पूरा समय शुभ हो और मंगलमय हो। धन्यवाद।